अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की जानिब। पार्ट थर्ड है हमारे पास √4x + 5 = 2x - 5। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली हमारा मकसद क्या होगा कि हमने x की वैल्यू को लेके आना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों जानब हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर क्यों लिया, इस वजह से कि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना था। स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में देखिए, हमने लिखा 4x + 5 और इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हमारे पास a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। फार्मूला क्या है, a² + b² - 2ab। यहाँ पे a जो है वो 2x और b क्या है, 5 है। 2x² + 5² - 2 × 2x × 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 4x + 5 = 2x² आ जाएगा। 4x² + 5 × 5 बन जाएगा 25 - 2 × 4 = 4×5 = 20x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास आ जाता है, हमने इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो 4x + 5 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे और जो टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 4x² + 25 - 20x - 4x - 5 = 0, क्योंकि 4x + 5 इक्वेशन के एक तरफ प्लस हो रहा था, जब ये दूसरी जानिब गया तो हमारे पास ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब सेम वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे 4x² ही रहेगा, 25 - 5 आपके पास बन जाता है 20 और -20x - 4x बन जाता है -24x। अब हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² / 4 -24/4x + 20/4 = 0/4। सिंपल फॉर्म में क्या आ जाएगा, x² - 6x + 5 = 0। अब यहाँ पर हमने कर लेनी है इसकी फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन वी हैव x² - 5x - x + 5 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब हमने देखना है फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टू टर्म में से जब हमने x कॉमन लिया था, हमारे पास यह क्या था, x - 1, और सेकेंड टर्म जो थी वो हमारे पास आ गई थी -1 कॉमन लिया गया था, तो अंदर आ गया था x - 5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, x - 1 × x - 5 = 0। हेयर वी हैव x - 1 = 0 और x - 5 = 0। तो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह 5 इक्वेशन के एक तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 5 आ गया। अब सॉल्यूशन सेट 5 हमारे पास आया, हमने 1 क्यों नहीं इसमें शामिल किया, इस वजह से जब हमने वेरिफिकेशन की, हमने क्वेश्चन में 1 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही थी, जबकि 5 फुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही थी, तो इस वजह से मेरे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आ गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। तो हमारे पास क्या, √29 - 4x = 2x + 3। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, √29 - 4x² = 2x + 3 होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो हमारे पास क्या रह जाता है, 29 - 4x = 2x² फोर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3² = 9 बन गया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि फार्मूला ओपन हो रहा है किसका, a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर किसकी कुल आ जाएगा, a² + b² + 2ab। तो क्या बन जाएगा, 4x² + 9 + 12x। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आके क्या बन जाएगी, 4x² + 12x + 4x + 9 - 29 = 0। ठीक है, 12x + 4x बन जाएगा 16x। तो बनी हमारे पास 4x² + 16x - 20 = 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो हमने दोनों तरफ किस पे डिवाइड कर दिया, 4 पे कर दिया। जब 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास फॉर्म क्या बन गई थी, x² + 4x - 5 = 0। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है बाय फैक्टराइजेशन मैथड से, और फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमारे पास फर्स्ट वीडियो जी थी हमारी, उसमें डिटेल के साथ हमने इसको बताया था कि कैसे प्रोडक्ट आता है और कैसे इसका सम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 5x - x - 5 = 0। फिर भी आपको बताती चलूँ कि 4x - 5 टू नंबर्स का जब सम लिया जाता है तो हमारे
फर्स्ट और सेकंड नंबर को हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाता है 5x² और सेंटर वाली टर्म है 4x, यानी कि दो नंबर हमने ऐसे लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xir आ जाएगा, जिनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4x। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, x² + 5x - x - 5 = 0। 5x को जब x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा 5x², 5x में से x को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x। ठीक है, अब x² 5x, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स है, फर्स्ट टू टर्म इसमें से मैंने x को बाहर ले लिया तो अंदर मेरे पास आ गया x + 5। इसी तरह -x - 5 में से -1 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर आ गया x + 5 = 0। x - 1 x + 5 = 0, x - 1 = 0 और x + 5 = 0, x = 1 और x = -5, जो टर्म एक तरफ माइनस हो रही थी दूसरी तरफ जाके प्लस हो गई, यानी कि 1 इक्वेशन के एक तरफ माइनस हो रहा था जब दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया प्लस। इसी तरह x + 5 = 0, 5 एक तरफ प्लस हो रहा है इक्वेशन के जब दूसरी जानब गया तो क्या हो गया -5। ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट, जब हमने चेक किया तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास 5 है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि जब वेरिफिकेशन की गई क्वेश्चन में पुट किया गया 29 - 4x, एक्स जब हमने -5 पुट किया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही थी, जबकि 1 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही थी, तो मैंने कह दिया मेरे सॉल्यूशन सेट में क्या शामिल हो गया है, 1 सॉल्यूशन सेट में शामिल हो गया। ठीक है,